सदन में यूपी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। इस दौरान सदन में 6.15 लाख करोड़ रुपए भारी भरकम बजट पेश किया गया। 6.15 लाख 5,018.97 रुपए का है। वहीं 81,177 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का अनुमान भी है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का 3.96% है। इस बार के बजट में आबकारी शुल्क से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 49,152 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कोरोना महामारी से मजबूती से लड़े हैं, अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है, गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया, यूपी किसानों को भुगतान करने के मामले में देश में पहले नंबर पर हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में जनता को 1,41,00,000 बिजली के मुफ्त कनेक्शन दिए गए। यूपी में 3 जून को इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। पिछला बजट 5,50,02,070.78 करोड़ रुपए का था। सुरेश खन्ना ने बुधवार को बजट को अंतिम रूप दिया। सदन में पेश किए जाने से पहले बजट को कैबिनेट की बैठक में पास किया गया। सूत्रों का कहना है कि इस बजट में संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने पर ध्यान दिया गया है। ज्यादातर वादों पर अमल की घोषणा किसी न किसी रूप में किए जाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।